A very good morning to all of you. So today we will discuss the chapter number 3, in which up to the previous topic we have studied already the money as a medium of exchange, in which we have studied about the barter system of exchange, the limitations of exchange barter system. Then we have studied about the meaning of the money, how the money came into the existence, then modern forms of money. We have discussed about the two forms of the money, the currency and the deposits with bank, in which we have studied about the check system also. Then we have studied about the loan activities of bank, how the banks play a mediator role between the depositors and the borrower. So now the today's topic is there, that is the next one topic regarding the next one concept of the chapter. That is the credit. As per the name of the chapter, the money and credit, we have studied the whole concepts related to the money in this chapter. That the ki money ka meaning kya hai, barter system, money kaise form mein aayi, modern forms kya hai, all we have studied already. So today we will start from the verb, that is the next one, that is the credit. What do you mean by the credit? Credit means borrowings of a person. Borrowings refers to ki kisi se udhar lena. We cannot say ki har ek human being hamari economy mein aisa hai jo self level pe satisfactory amount jo hai wo earn kar raha hai in order to satisfy their needs and wants. Almost everyone we can say that ki majority jo hai unko kabhi na kabhi kisi na kisi cheez ke liye zarurat padi jati hai. For getting the credit from the another people or from the banks or anything, right? So no doubt ki hamari life ke andar, day to day life ke andar bhi bahut si aisi transactions hoti hain which involving the credit in any kind of the form we can say. So here firstly we will discuss what do you mean by the credit, right? In a proper formal form, what is the proper definition of the credit is there? That is the क्रेडिट और द लोन रेफर्स टू द एन एग्रीमेंट. एक ऐसा एग्रीमेंट होता है इन मीन्स द लेंडर. लेंडर कौन होता है? जो लोन दे रहा है. सप्लाइज द बरोवर विद मनी. वो क्या करता है? बरोवर को मनी प्रोवाइड करता है, राइट? एनी काइंड ऑफ द सेंस कोई भी ट्रांजेक्शन होती है गुड्स और सर्विसेस इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. बोरो करता है मनी के साथ. क्या बोरो करता है? गुड्स एंड सर्विसेस को, या डायरेक्टली मनी भी बोरो कर सकते हैं, जिसके मेनली उसके रिटर्न में क्या प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर या पर्टिकुलर डेट में क्या किया जाएगा, दैट द मनी विल बी पेड टू द पर्टिकुलर पर्सन. ओके, सो हियर नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्रेडिट में कैसे कैसे स्टेट्स अराइज हो सकती है, एग्जिस्ट हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, कि जो रिच पीपल है उनको किस तरीके के क्रेडिट मिल सकते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको कैसे क्रेडिट मिलते हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं. वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स. ओके, सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द टू ऑफ द सिचुएशन. द फर्स्ट वन सिचुएशन इज देयर, दैट इज द फेस्टिव सीजन. फेस्टिव सीजन में मैं आपको वन बाय वन वर्ड नहीं बता के डायरेक्टली खुद ही बताऊंगी. वन ऑफ द पर्सन इज देयर, सपोज आई एम जस्ट गिविंग द टू सिचुएशंस ऑफ द क्रेडिट टू यू. कि एक पर्सन था, उसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर कवर करना था इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम फॉर दैट. तो उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उसको बहुत से वर्क करने थे. ओके, देन वी कैन सी लाइक दिस दैट इट इज अ फेस्टिव सीजन. टू मंथ्स फ्रॉम नाउ एक शू मैन्युफैक्चर है सलीम, राइट? उसको एक ऑर्डर मिला एक लार्ज ट्रेडर से. किस चीज का? कि उसको 3000 पेयर्स जो है वो डिलीवर करने हैं एक मंथ के टाइम में, मतलब एक ही महीने के अंदर. अब प्रोडक्शन को कवर अप करने के लिए सलीम को क्या करना पड़ा? उसको कुछ नए वर्कर्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बड़ा है. पेस्टिंग वर्क भी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, राइट? तो अब इस एक्सपेंस, इस पे एक्सपेंस आएंगे, खर्चा आएगा. तो सलीम को दो तरीकों से लोन मिला इस पे. क्या? सबसे पहले उसने अपने सप्लायर से बोला
कि वो क्या करे, सप्लायर मीन्स फ्रॉम होम ही विल जस्ट परचेज द रॉ मटेरियल. उसने सबसे पहले अपने सप्लायर्स को, सप्लायर को क्या बोला दैट कि वो कुछ लेदर अभी सप्लायर कर दे और वो उसको क्या करेगा, लेटर ही विल पे टू हिम. ओके, सेकेंड वन में उसने क्या लोन लिया, उसने क्या किया, उसने लोन ले लिया कैश के फॉर्म में अपने लार्ज ट्रेडर से. ट्रेडर से क्या किया, उसने कहा कि आपको मैंने 3000 पेयर्स देने हैं, आप मुझे एडवांस की कुछ पेमेंट प्रोवाइड कर दें 1000 पेयर की, दैट आई विल प्रोवाइड यू द होल ऑर्डर एट ए प्रॉपर टाइम. सो विद द हेल्प ऑफ दीज अमाउंट, अब सलीम को क्या हुआ दैट ही वॉज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर. उसने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और उसने वो मनी भी रीपे कर दी जो उसने बोरो की थी. तो बोरो कैसे की थी उसने, मीन्स कि इसमें यहाँ पे क्या था कि उसको क्रेडिट किस लिए चाहिए था, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो उसको पहले इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो पहले पैसा चाहिए था, फॉर दैट पर्पस ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट द मनी. तो इस क्रेडिट की हेल्प से क्या हो पाया, एक तो उसको अपने प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंस भी मिल गए कंप्लीट, उसकी प्रोडक्शन भी प्रॉपर टाइम पे हो गई, एज वेल एज उसकी अर्निंग भी इंक्रीज हो गई. सो वी कैन से अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इस सिचुएशन में क्या ऐसा स्टेट आया कि क्रेडिट ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया या नेगेटिव. नो डाउट वी कैन से वेरी वेल, क्योंकि उसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा, उसने प्रोडक्शन प्रॉपर टाइम पे कवर अप किया, उसने प्रॉफिट्स अर्न किए, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्रेडिट इज प्लेइंग ए पॉजिटिव रोल हियर. क्रेडिट क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दिस सिचुएशन. ओके, दिस वॉज द वन सिचुएशन. द सेकेंड वन सिचुएशन इज ऑफ ए पुअर फार्मर, स्वप्ना. स्वप्ना इज ए पुअर फार्मर, स्मॉल फार्मर. वो ग्राउंड नट जनरेट करती है अपनी, उसके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है 3 acres का. अब उसने क्या किया देखो, इसके लिए शी वॉज नॉट हैविंग मनी इन ऑर्डर टू जनरेट द क्रॉप्स, तो उसने एक लोन लिया. किससे लोन लिया, मनी लैंडर से, इन ऑर्डर टू पे द एक्सपेंस कि जो कल्टीवेशन के लिए जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए था उसके लिए उसने पैसा लिया मनी लैंडर से एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस होप के अंदर लिया कि ये जो है कल्टीवेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग इट विल गिव हर अ बेटर पेमेंट इन ऑर्डर टू रीपे द लोन. बट व्हाट हैपेंड, मिडवे सीजन में क्या हुआ कि क्रॉप के ऊपर पेस्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई और क्रॉप जो थी वो खराब हो गई. देन वट शी हैज टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्वप्ना को और पैसे लगाने पड़े, कैसे, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स पे, उससे और भी आ गया. देन वट हैपेंड, अब वो सर्वाइवल भी करेगी अपना, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव इवन विदाउट द प्रॉपर मनी. शी वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी सो दैट कि वो ईजिली, अगर उसकी क्रॉप खराब भी हो गई तो वो ईजिली वर्क कर लेगी. शी वॉज अनएबल. तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसने अपना कुछ पैसा पेस्टिसाइड्स पे भी खर्च कर दिया, शी वॉज नॉट एबल टू रीपे द मनी. तो उसके जो डेट थे, जो उसका क्रेडिट का अमाउंट था, वो और बढ़ गया उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट लग के. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, क्योंकि पिछले साल तो उसने मुश्किल से ही सर्वाइव किया, नेक्स्ट ईयर उसको एक और लोन लेना पड़ा फॉर द कल्टिवेशन. इस साल क्रॉप तो सही से हो गई बट अर्निंग जो थी वो इतनी नहीं थी कि वो उसका पिछला लोन भी कवर कर ले एज वेल एज उसका प्रेजेंट लोन भी कवर कर ले. देन उसको क्या करना पड़ा, शी हैज टू सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ देयर लैंड टू पे ऑफ द डेट. अब उसने क्रेडिट तो लिया, क्रेडिट किस मोटिव से लिया कि उसकी सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या स्टेट आई कि उसके पास जो थोड़ी सी लैंड भी थी उसका भी एक पोर्शन उसको सेल ऑफ करके क्या करना पड़ा, क्रेडिट को रीपे करना पड़ा. सो कैन यू इमेजिन इन दिस सिचुएशन इज द क्रेडिट इज प्लेइंग ए पॉजिटिव रोल. नो वी कैन नॉट से वाई, कि हमें एंड पे लगा कि दैट वॉज अ वेरी मच बैड रिजल्ट, राइट. सो इन दिस काइंड ऑफ स्टेट कि क्रेडिट क्या करता है, इट ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट. तो रूरल एरिया में मेनली देखिए जहां पर ये नेगेटिव कहां पर ज्यादा आ जाता है, वेयर वी कैन कॉल की दैट द रूरल पीपल और द पुअर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट. जनरली जो रूरल एरिया में डिमांड होती है क्रेडिट की, वो किस पर्पज के लिए होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर, दे आर इन्वॉल्व इन द फार्मिंग एक्टिविटीज, दे जस्ट हैविंग ए रिक्वायरमेंट फॉर द
क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। और नो डाउट क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत सी हमें चीजें चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। इन दिस स्टेट वी कैन से दैट, तो वहां पर कम से कम क्रॉप को जनरेट होने में भी टाइम लगता है। देयर इज अ मिनिमम टाइम ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द जब फार्मर को ये चीजें खरीदनी है और जब उसको क्रॉप सेल करना है। सो इन दिस सेंस द फार्मर चाहते ना चाहते दे जस्ट हैव टू टेक द क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। और वो कब उसको रीपे करते हैं? हार्वेस्टिंग के बाद। सो मेनली उनकी जो रीपेमेंट है दैट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द फार्मर, कि अगर उनकी क्रॉप किसी वजह से खराब हो जाती है देन व्हाट विल हैपन। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि फार्मर को जनरली क्या करना पड़ता है, दे जस्ट हैव टू टेक द क्रॉप लोन्स। कब लेना पड़ता है? सीजन के स्टार्टिंग में। और वो उसको रीपे कब करते हैं? आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो मेनली जो रीपेमेंट होती है दैट इज डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द फार्मिंग, कि बाय चांस अगर फार्मर्स का जो क्रॉप है अगर वो खराब हो जाता है देन व्हाट विल हैपन। सो इन द फर्स्ट वन केस, वी कैन से स्वप्नास के केस, जो फार्मर का केस हमने देखा, मेनली क्या था कि उसके लिए लोन को रीपे करना इट वाज एंटायरली इम्पॉसिबल। तो इसकी वजह से उसे क्या करना पड़ा? शी जस्ट हैड टू सेल ऑफ हर द पार्ट ऑफ हर लैंड टू रीपे द लोन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आई कि रेदर देन हेल्पिंग होना, कि क्रेडिट ने क्या किया, उसके सिचुएशन को और बुरा कर दिया। सो दैट इज जनरली कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्रेडिट की विच इज जनरली नोन एज द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है कि ये एक बोरोवर को एक ऐसे सिचुएशन में पुशअप कर देता है, एक ऐसे स्टेट में बोरोवर आ जाता है कि उसको उसकी जो रिकवरी है उस क्रेडिट से निकलने की दैट इज वेरी पेनफुल, दैट द बोरोवर इज नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट क्रेडिट। वहां पे क्या सिचुएशन आ जाती है कि इस केस में जो बोरोवर है वो अपने क्रेडिट को रीपे करने के स्टेट में जो उसके पास थोड़ी बहुत असेट्स भी होती हैं वो भी उसको सेल ऑफ करके अपने क्रेडिट को रीपे कर पाए। सो हमने फर्स्ट सिचुएशन स्टडी की जिसमें क्रेडिट जो है वो अर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। तो एट लास्ट क्या हुआ दैट द पर्सन इज बेटर देन द बिफोर, बट इन द अनदर सेंस व्हाट वाज गोइंग ऑन कि उसकी क्रॉप्स की फेलियर होने की वजह से क्रेडिट ने उसे एक ऐसे स्टेट में डाल दिया कि अपने लोन को रीपे करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपने पोर्शन को ही सेल ऑफ करना पड़ा, अपने लैंड के पोर्शन को। तो उससे उसकी सिचुएशन जो थी वो पहले से भी बेकार हो गई। सो नाउ द क्वेश्चन आई इधर द क्रेडिट इज यूजफुल और नो, इट जस्ट मेनली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि जिस सिचुएशन के लिए, जिस चीज के लिए आप क्रेडिट ले रहे हैं वो कैसे सिचुएशन है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं या लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल डिजास्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल फैक्टर्स। सो दीज काइंड्स ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो देयर विच जस्ट क्रिएट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट। नो डाउट क्रेडिट इज प्लेइंग ए वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आप उसको किस चीज के लिए ले रहे हैं, कि वो आपको आगे प्रमोट करेगा या आपको डेमोट कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक इज देयर दैट इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स कि अगर आप कहीं से बोरो करते हैं उसकी शर्तें क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द मेन द लैंडर कि पहले आपका लैंडर कौन सा है, कि वो मनी लैंडर है सिंपल, आपके रिलेटिव्स में से आप किसी से ले रहे हैं, आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो। द मेजर मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर वी कैन से द मोस्ट वन दैट इज द इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो भी लोन एग्रीमेंट होता है वो नो डाउट हम लोन जब भी लेते वी जस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द अनदर वन पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, राइट। तो हर एक लोन एग्रीमेंट में सबसे पहले वो इंटरेस्ट रेट को स्पेसिफाई किया जाता है जिसमें बोरोवर को क्या करना पड़ता है, वो लैंडर को जब मनी पे करेगा, रीपे करेगा अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल ऑल्सो बी रीपेड, राइट। और मेनी टाइम इट ऑल्सो हैपेंड, अब जैसे देखिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको सिंपली लोन नहीं देगा, बैंक विल टेक द सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट ऑल्सो। In the repayment of that particular amount, bank will also take the
security. And what it is known as, security is known as the collateral. अब आपके पास question आ गया, the internal question, what do you mean by the collateral? Collateral means the security. और वीकेंड से सिक्योरिटी में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आपका कोई व्हीकल हो गया, गोल्ड हो गया, आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई घर है, लाइव स्टॉक्स हैं, एनीथिंग दे कैन यूज. आपके पर्सनल मनी लेंडर होंगे, वो किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ले सकते हैं. बैंक जो है वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आपसे सिक्योरिटी लेंगे. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द कोलेटरल? कोलेटरल इज एन असेट्स. एक ऐसी असेट्स है जो बरोवर क्या करता है, जिसका मालिक कौन है? बरोवर है. जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, एनीथिंग वी कैन से, डिपॉजिट्स विद द बैंक. और वो क्या करता है, इस असेट्स को एक एज ए गारंटी यूज करता है. गारंटी किसको, किसके लिए यूज करता है? लेंडर के लिए, कि जब तक आपका लोन रिपे नहीं किया जाएगा तब तक आप इसे एज ए गारंटी रख सकते हैं. और अगर सपोज बाय चांस उसका लोन रिपे नहीं किया जाता तो लेंडर की ये अथॉरिटी बन जाती है कि वो उस चीज को सेल ऑफ करके क्या कर सकता है, लोन का अमाउंट रिकवर कर सकता है. ठीक है, कि अगर बोरोवर जो है वो इस बात में फेल हो जाता है सपोज कि वो रिपे नहीं कर पा रहा लोन को, तो लेंडर के पास ये राइट होता है. Then they can sell off the assets or the collateral, any kind of the property, and they can use the amount of that collateral in order to repay their, compensate their loan. Okay, so these are the terms and conditions. The main question arises कि अब actual में हम इसे proper definition में क्या कहेंगे, कि terms and conditions होती क्या है. So collectively we can call कि जो interest rate होता है, ओके, द फर्स्ट वन थिंग इंटरेस्ट रेट, सेकेंड वन इज द कोलेटरल. और बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी होती है. डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस द प्रॉपर एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू गिव द लोन. उसमें वो पूरी टर्म्स कंडीशंस डिफाइन होती है कि आप लोन कब रीपे करेंगे, कैसे रीपे करेंगे, उसको इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे और कलेक्टिव अमाउंट रीपे करेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपकी सिक्योरिटी क्या है. सो ऑल दीज टर्म्स कलेक्टिवली इज नोन एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. सो वी कैन कॉल इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टूगेदर कंप्राइजेज विच इज नोन एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एंड इट कैन बी वेरी, इट कैन बी चेंज्ड. जरूरी नहीं है सबके सब जगह पे एक ही जैसी टर्म्स कंडीशंस होंगी. बैंक आपको लोन देगा तो वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के रेट से देगा. वहीं अगर आप लोन किसी पर्सनल मनी लेंडर से ले रहे हैं उसकी अपनी कंडीशंस होंगी, राइट. सो इट्स मेनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर. अ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर उसको अर्जेंसी में चाहिए, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन उठा लेगा, राइट. सो देयर कैन बी द different kinds of terms of credit can be there, and we will also discuss about the different kinds of terms of conditions and the sources of credit. We will discuss in the next one topics also. So in short we can call ki in jitni bhi formalities hoti hain collectively for getting the loan, that is known as the terms of credit. Which kind of the conditions are made by the lender in order to provide the money to the borrower. And it mainly depend upon the person to person or the institution from where you are getting loan. Okay, the terms of credit will always be changed from the depend upon the sources of the credit from where you are getting the loan. And here one of the house loan example is given also. The simply ki house loan liya, uski registry, house loan suppose aap bank se le rahe hain to bank uski registry apne paas rakh leta hai. Jab tak aap uska loan jo hai रीपे करते हैं एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस फ्रॉम द बैंक. सो सिंपली दीज वर द टॉपिक्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट.